everyone, welcome back to my channel. Let's continue chapter 1, the French Revolution. Last video में हमने पढ़ा outbreak of the revolution, जिसमें हमने देखा किस तरीके से फ्रांस में क्रांति शुरू होती है और थर्ड स्टेट के लोगों द्वारा नेशनल असेंबली बनाई जाती है जो किंग की पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और फाइनली फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाने से फ्रांस में क्या क्या बदलाव आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जैसा कि हम जानते हैं 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शपथ लेते हैं, जिसका ड्राफ्ट फाइनली 1791 में पूरा कर लिया जाता है। अब इसके जरिए फ्रांस में कई तरह के बदलाव लाए जाते हैं, जैसे कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, यानी किंग की पावर को कम कर दिया जाता है। अब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दी जाती है। आपको मोंटेस्क्यू के बारे में तो याद ही होगा, जो अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसी आइडिया पर बेस्ड थी फ्रांस की नई गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की पावर को तीन इंस्टीट्यूशन में बांट दिया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है, यानी संवैधानिक राजतंत्र। पर ये सिस्टम था क्या और किस तरह से काम करता था, तो चलिए जानते हैं फ्रांस के नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉज इन द नेशनल असेंबली, यानी 1791 में बना कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली को फ्रांस में लॉ बनाने की पावर देता है। और अब नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करने के लिए फ्रांस में इलेक्शन हुआ करते थे, पर इन मेंबर्स को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चूज किया जाता था। कुछ इस तरह से फ्रांस के लोग वोट देकर कुछ इलेक्टर्स को चूज किया करते थे और यही इलेक्टर्स आगे चलकर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज किया करते थे, जिनकी संख्या करीब 745 हुआ करती थी। ये नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर का पार्ट हुआ करती थी, जिनका काम कानून को बनाना हुआ करता था। अब आता है दूसरा इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जिसमें किंग और मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो लॉज को इम्प्लीमेंट किया करते थे। अब इस सिस्टम में किंग के पास अकेले डिसीजन लेने के कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि किंग और मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर द्वारा कंट्रोल किया जाता था, यानी जो कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते थे सिर्फ उन्हें ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता था। पर किंग के पास अभी भी वीटो पावर थी, यानी निषेध अधिकार, जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को रिजेक्ट कर सकती थी। अब आते हैं तीसरे इंस्टीट्यूशन पर, जो था जुडिशरी, जो इन दोनों इंस्टीट्यूशन पर नज़र बनाए रखती थी और डिस्प्यूट को सुलझाया करती थी। पर जुडिशरी के जजेस को भी इलेक्शन के द्वारा ही चूज किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनली फ्रांस में सब कुछ अच्छा हो चुका है, पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। फ्रांस में अभी भी पूरी तरह से इक्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। हमने कहा नेशनल असेंबली के इलेक्टर्स को चूज करने के लिए वोट किए जाते थे, पर ये वोटिंग राइट्स सबके पास नहीं थे। फ्रांस के लोग अभी भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो लोग हुआ करते थे हु हैड अ राइट टू वोट, यानी जिन्हें वोट देने के अधिकार प्राप्त थे, जिसमें शामिल थे ओनली मेन अबव 25 ईयर्स, यानी मेन जिनकी उम्र 25 या उससे ऊपर हुआ करती थी, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a laborer wage, यानी वो लोग जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे किया करते थे, और इनकी पॉपुलेशन 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन थी। इन्हें छोड़कर बाकी सब मैन और वीमेन जिनकी उम्र 25 से कम हुआ करती थी, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था, और इनके पास किसी भी तरह के वोटिंग राइट्स नहीं थे, जिसमें 3 मिलियन मैन शामिल थे। असेंबली का मेंबर बनने के लिए लोगों का हायर टैक्स पेयर होना ज़रूरी था, यानी जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वो असेंबली का मेंबर बन जाएगा, और इसीलिए सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स वोट दिया करते थे और वोट देकर 50,000 मेन को चूज़ किया करते थे जो कि इलेक्टर्स हुआ करते थे। आगे जाकर यही इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के लोगों के लिए वोट किया करते थे, और इसीलिए ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। चलिए अब लौटते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है पुरुष एवं नागरिक अधिकारों के डिक्लेरेशन से, जिसमें शामिल थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन राइट्स को नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स कहा जाता था।
नेचुरल राइट से हमारा मतलब है प्राकृतिक, जो राइट हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, और इनएलिनेबल से हमारा मतलब है जिन्हें हमसे छीना नहीं जा सकता है। और इसीलिए ये राइट्स बाय बर्थ सभी ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं। इन्हें देने के लिए किसी स्टेट की ज़रूरत नहीं होती है। बट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, यानी स्टेट की ड्यूटी है कि वो हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा भी फ्रांस के लोगों को बहुत से राइट्स दिए गए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, यानी फ्रांस के लोगों को जो राइट्स दिए गए थे वो सिर्फ मेन को प्राप्त थे, वीमेन को नहीं। और इसीलिए वीमेन को अपने राइट्स के लिए कई सालों तक लड़ना पड़ा और वोटिंग राइट्स के लिए वीमेन ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यूज़ किए गए सिंबल्स के बारे में, क्योंकि 18th सेंचुरी में मेजॉरिटी ऑफ मेन और वीमेन रीड और राइट नहीं कर सकते थे, तो लोगों के द्वारा मैसेज कन्वे करने के लिए कई इमेजेस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था। ये इमेजेस और सिंबल्स उस टाइम के कई इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में बताती हैं, जैसे कि ब्रोकन चेन, इट स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी टूटी हुई जंजीरें जिन्हें गुलामों को बांधने के लिए यूज किया जाता था। टूटी हुई चेन आजादी का प्रतीक बनी। द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी अकेली रॉड को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे बंडल को नहीं, और इसीलिए ये एकता का प्रतीक बनी। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर द नॉलेज, यानी ट्राइंगल के अंदर रोशनी फैलाती आँख जो ज्ञान का प्रतीक बनी। सूर्य की किरणें अज्ञानी रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, राजतंत्र जो रॉयल पावर का प्रतीक था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी, यानी ये इमेज एटर्निटी का प्रतीक बनी। ऐसी अंगूठी जिसका कोई और छोर नहीं है। रेड फ्रीजियन कैप वॉर्न बाय अ स्लेव, यानी दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। ब्लू व्हाइट रेड कलर द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, यानी ये रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग बने। द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी कानून का मानवीय रूप, हम इन्हें कानून की देवी भी बोल सकते हैं। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। पर फ्रांस की परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आने वाले सालों में फ्रांस की सिचुएशन काफ़ी टेंस रही, क्योंकि इनइक्वालिटी फ्रांस में अभी भी कायम थी। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, पर कुछ सालों बाद फ्रांस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर उसे रिपब्लिक बना दिया गया। क्यों और कैसे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।